साथियों नमस्कार, बबलू पूनिया यूट्यूब और फेसबुक पेज में आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, ट्रैक्टर लेके आ गए हैं खेत में, 2 दिन का गोबर भी है और आज जो है यूरिया का कट्टा भी लाए हैं घर से। जो अपने रास्ते वाले गेहूं हैं, जो दोनों खेतों के बीच में हैं, वो लगभग 24-25 दिन के हो गए और आज उनमें कोर देंगे। कोर तो कल से ही आएगी क्योंकि अब तो लेट हो गई, थोड़ा समय लगेगा। अब थोड़ा यूरिया डाल लेंगे उनमें, यूरिया डालने के बाद में हम उसे पहला पानी देंगे। अब गोबर उतार लेते हैं एक बार, उसके बाद में जो है अपना वो काम करेंगे। साथियों देख सकते हैं आप, अब जो है गेहूं में खाद लगा दिया है और खाद लगाने के बाद में ऐसे ही छोड़ दिया, पानी नहीं चालू करा। अब ये रात की ओस लगेगी जैसे ही से, और सुबह से इसमें पानी चल जाएगा। तो ये दोस्तों, जो खाद जहाँ पड़ा, जमीन जो है उसे पी जाएगी, पौधे पर पहुंच जाएगा वो और आगे नहीं चलने का। अगर हम साथ के साथ पानी चला देते हैं तो ये पानी खाद के रास्ते से, ये मतलब पानी के रास्ते से आगे को निकल जा। तो ऐसा नहीं करना है। एक मतलब इसमें ये अब शाम को उतार दिया, इसमें मतलब एक शाम उतारनी है। तो इन बातों का आप खास ध्यान रखें। बाकी किसान भाई सब अपने काम में लगे हुए हैं। आगे ट्रैक्टर जा रहा है, एक देख सकते हैं आप। अब जो है दोस्तों 12 की तरफ चलेंगे। छोल भी चल रही है ठीक ठाक, बढ़िया। तो ये जो खेत है 12 के पीछे का नंबर, इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी पत्ती पड़ी हुई है। उस दिन इसमें दो दो तीन तीन बारी करा था, काफ़ी पत्ती थी। और अब जो है इसमें थोड़ा सा ये यूरिया खाद ले लिया मैंने, ये डाल देंगे। तो इससे जो है कल फिर इसकी जुताई करेंगे तो ये जल्दी गल जाएगी पत्ती। यूरिया से थोड़ा सा बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। अब मैं एक बार यूरिया डाल लेता हूँ। साथियों अब सारा काम करते हैं पीछे। बुग्गी में जो है गोले वगैरह रख लिए, चारा रख लिया, और अब मैं घर की तरफ चलूंगा भाइयों। ठंड होने और आज तो खाना भी थोड़ा लेट हो गया। पुनीत भाई भी मौसी जी के वहाँ जा रहे हैं क्योंकि उनके बेटे की भी शादी है, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी का काम रहता है कुछ। उन्होंने जो है मम्मी को बुलाया, मम्मी हमारी मौसियों में सबसे बड़ी हैं, जो तो यहाँ सारा सिस्टम बिगड़ रहा, आप आ जाओ। कोई बात नहीं दोस्तों, ये काज जो होते हैं इसी तरह सपोर्ट से आपस में सबके हो जाओ और आपसी प्यार नु ही बनाए रखें। गन्ना जो है जिस तरीके से मेहनत करी थी दोस्तों, बहुत बढ़िया निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बात की। और जो किसी भी भाई को खेती से संबंधित कुछ भी जानकारी लेनी हो तो वो मेरे चैनल पर कमेंट कर सकता है, और फेसबुक पेज बबलू पूनिया के नाम से वहाँ भी कमेंट करके जानकारी ले सकता है। और ये आज गेहूं जो हैं 24 दिन के 25 दिन के हो गए, इनमें खाद भी डाल दिया, सुबह से इनमें पानी चलेगा। बाकी आप सभी अपने घर में खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।